नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी स्नैपचैट एप्लीकेशन यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका स्नैपचैट एप्लीकेशन कोई और ना यूज करे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप स्नैपचैट एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं, हिडन ऐप्स में आप डाल सकते हैं, आपके बगैर कोई भी स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन नहीं कर पाएगा। किस तरीके से करना है सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दीजिए। इतना करने के बाद इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सभी जगह शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा नाइस ट्रिक। यहाँ पर कमेंट में आपको ये जरूर लिखना है नाइस ट्रिक, जिससे कि सबको पता चल जाए कि ये ट्रिक जो है वो अच्छी है या नहीं, तो नाइस ट्रिक आपको लिख देना। अब इतना करने के बाद दोस्तों सिंपल सा आपको ये स्नैपचैट हाइड करना है, तो करना क्या पड़ेगा, आपको चले जाना है आपको सेटिंग पर। सेटिंग पर जैसे जाएंगे, आपको कोई भी मोबाइल हो तो यहाँ पर ऐप लॉक आपको ओपन करना है, या फिर अगर आपका मोबाइल है MI का यानी Xiaomi का है तो आपको ऐप पर आना है। ऐप पर आने के बाद ऐप लॉक पर आना है। ऐप लॉक पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऐप लॉक जो है वो अपना ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों ऐप लॉक के कई सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। यहाँ एक हिडन ऐप्स मिल जाएगा, हिडन ऐप्स मिल जाएगा, फिर यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है स्नैपचैट। स्नैपचैट ओपन कर देंगे, यहाँ पर इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद ये एप्लीकेशन जो हाइड हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि स्नैपचैट यहाँ पर था और कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। आप स्नैपचैट यहाँ व्हाट्सएप के बगल में मैं अभी ला कर दिखाऊंगा। इसके लिए सिंपल सा करना क्या है, फिर से आपको जब आप कोई मोबाइल ले लेगा तो आपको उसको पता ही नहीं चलेगा। अगर जब आप वापस ले लेंगे उससे मोबाइल, फिर से आपको सेटिंग पर जाना है, ऐप पर जाना है और ऐप लॉक पर जाना है। फिर उसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड लगा देना है, उसके बाद यहाँ हिडन ऐप पर जाना है और स्नैपचैट को जो आपने लॉक रखा है उसे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद सबसे लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे व्हाट्सएप के बगल में स्नैपचैट एप्लीकेशन आपका वापस आ गया। सो दोस्तों, इस तरीके से आप स्नैपचैट एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।